नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी शादी में लेट हो रही है या संतान प्राप्ति में लेट हो रहा है तो आप इसे समझें और आप अपने कुंडली में देखें कि क्या ये प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है। अगर उसका वो प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन भी बता रहे हैं और वह क्या है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कुंडली में इसके लिए देखा जाता है सातवां घर, जो कि पति पत्नी व्यापार या ऑपरेशन दुश्मनी ये सब जितने भी प्रॉब्लम होती है ये सातवें घर से होती है। अगर सातवें घर में शनि है तो यानी कि इस घर में अगर आपके पास में शनि है तो आपके पति पत्नी के साथ में रिलेशनशिप खराब हो सकता है, व्यापार में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऑपरेशन होने की संभावना हो सकती है या किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो सकता है। और अगर शनि जो होता है वो तुला राशि में उच्च का होता है। शनि मेहनत भी बहुत अच्छा मांगता है किसी व्यक्ति का, अगर सातवें घर में यहाँ पे अगर शनि बैठा हुआ है तो। अब दोस्तों, शनि जो होता है वो मकर और कुंभ दो राशि के स्वामी होते हैं। शनि अगर दोनों में से अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है या यहाँ पे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। शनि का कारक जो है वो छठा घर, आठवां घर और बारहवां घर है। ये तीनों घर जो है वो शनि का कारक घर माना जाता है। और शनि आपकी कुंडली में कहीं भी अगर स्थित है तो वो अपने घर से तीसरे घर, सातवें घर और दसवें घर को देखता है। जैसे कि मान ले कि अगर शनि सातवें घर में यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ से तीसरा घर वो देखेगा, फिर यहाँ से सातवां घर शनि देखता है और यहाँ से फिर वो दसवां घर शनि देखता है। तो इसकी दृष्टि तीन होती है, अपने से तीसरे घर, सातवें घर और दसवें घर। अब शनि अगर सातवें घर में आपके कुंडली में है तो आपको शादी में लेट हो सकता है और लेट से करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। हमने बहुत सा कुंडली देखा है जिसमें कि शादी 20 साल में 22 साल में भी शनि यहाँ पे रहने के बावजूद भी हो गया है, तो उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर लड़की की कुंडली अगर हम देखते हैं, अगर वहाँ यहाँ पे अगर शनि है और जिसके साथ शादी हुआ है अगर उसका सातवां घर उच्च का है, अगर उसकी नवांश कुंडली अगर अच्छा है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि शनि अगर सातवें घर में है तो शादी के बाद ही भाग्य चमकने की संभावना होती है। शनि अगर सातवें घर में है तो आपका बच्चा लेट से होगा, संतान सुख जो होगी वो लेट से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। दोस्तों, शनि किसी को मौत बहुत विशेष परिस्थिति में देता है, लेकिन मौत से पहले वो बहुत कुछ उसे लेता है। शनि बहुत ही खराब होता है, लेकिन शनि जितना अपने काल में किसी को सरेसाती या किसी कोई भी ग्रह है अपने काल में वो जितना लेता है किसी को मौत नहीं दे सकता है। शनि अपने आप पे किसी को मौत नहीं दे सकता। अगर आपका मंगल खराब है, सूर्य खराब है तो आपकी स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन शनि जब अपने आप में रहता है तो वो किसी को मौत नहीं देता, लेकिन उतना दर्द जरूर देता है। लेकिन जब वो अपनी काल को ख़त्म करके जाने लगता है तो उससे अच्छा उसे देकर जाता है। इसकी एक मैं उदाहरण बताता हूँ कि आप देखना कि शनि जब जिस भी व्यक्ति पर बहुत ही खराब होगा उसके घर में निश्चित है कि आग लगेगी।
और जिस भी व्यक्ति के घर में आग लगा है, क्योंकि जब भयानक परिस्थिति खराब होता है तो ही किसी वस्तु की क्षति होती है और आग के रूप में, और वहाँ पे तीन तीन स्वामी खराब होने के बाद किसी व्यक्ति के घर में आग लगता है, लेकिन आग लगने के बाद उसके पास में बहुत अच्छी संपत्ति आती है। और ये है कि शनि किसी का कुछ तो संतान ये देता है, लेकिन लेट से देता है। अगर यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति का संतान शनि है तो वो संतान होगा, लेकिन लेट से होगा। अब यहाँ पे अच्छी खुशी ये भी होता है कि यहाँ पे अगर शनि है तो आदमी विदेश यात्रा भी कर सकता है, अगर एक जगह से दूसरे जगह कमाने के उद्देश्य से जा सकता है। जैसे कि जन्म स्थान अगर उनका मुंबई है तो वो मुंबई छोड़ के कहीं बाहर कमाने के लिए जा सकते हैं, अगर उनका जन्म स्थान पुणे है तो पुणे छोड़कर वो बाहर कहीं कमाने के लिए जा सकते हैं। अब है कि अगर किसी भी व्यक्ति का शनि यहाँ पे है, हम ये जो बोल रहे हैं इसमें सातवें घर में जो बोल रहे हैं इसमें शनि उच्च का होना चाहिए या शनि होना चाहिए, दूसरा घर है तो वो दूसरी चीज़ की युक्ति हो जाती है, तीसरा है तीन है या चार ग्रह है तो उसका अलग फल देता है, लेकिन सातवें घर में अगर शनि है तो उसका यही फल देता है। अगर सातवें घर में आप के शनि हैं तो दोस्तों यह जीवन साथी को मेहनती बनाता है, यह जीवन साथी को डिटरमाइंड करता है। अगर लड़की के कुंडली में है तो उसके अपोजिट सेक्स, अगर लड़के की कुंडली में है तो उसके अपोजिट सेक्स में डिटरमाइंड बनाने का भी ये संकेत देता है। अब जिस व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति का यहाँ पे शनि उच्च का होता है या शनि होता है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशन, अगर किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे शनि है तो हम अगर प्रोफेशन की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति ठेकेदारी, कोयला, लोहे के खनन में अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा फायदा भी मिलने की संभावना होती है अगर किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे शनि है तो। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो उपाय के लिए अगर किसी भी व्यक्ति का शनि खराब है तो वो शनि के बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अगर सातवें घर में शनि है और उनको प्रॉब्लम हो रही है शादी में या संतान प्राप्ति में लेट हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा होता है। अगर शनि के बीज मंत्रों का भी वो पाठ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शनि चालीसा या शनि का जो भी हम पूजा करते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में नहीं करें। 6 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक सूर्य की उपस्थिति में आप शनि की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी कि एनिमी माने जाते हैं, जिसके कारण आप सूर्य की उपस्थिति में शनि की पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर वो दोनों चीज़ का आप नियमित पाठ करते हैं तो आपका शनि से जुड़ी जो प्रॉब्लम है संतान की या शादी का, उसका सॉल्व हो सकता है। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पे बहुत से आदमी हैं जो कि दूसरे धर्म से वास्ता रखते हैं तो उनके लिए बता दूं कि वो नीलम पहन सकते हैं, लेकिन नीलम ऐसे आप नहीं पहन सकते कि सिर्फ आप अपने कुंडली को देखा और उसने देखा कि यहाँ पे शनि है या दूसरे घर ग्रह के साथ में यहाँ पे शनि है तो आप नीलम नहीं पहने। किसी विशेष जो जानकार है इसका उनसे पूछ लें कि क्या हम नीलम पहन सकते हैं, क्या इसका लाभ हमको मिलेगा, क्योंकि नीलम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर नीलम नहीं पहने, लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो नीलम पहन सकते हैं, लेकिन किसी से पूछकर ही नीलम पहने, ऐसे नीलम नहीं पहने। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, अगर इंस्टेंट उसका जवाब चाहते हैं तो
नीचे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट पर भी ये वीडियो है या वहाँ पे पोस्ट है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइव में बात करने के लिए चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।